मीडिया को जानकारी दी है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नए स्तर से, नए सिरे से अब सभी नियुक्तियां की जाएंगी। बैठक कांग्रेस में चल रही थी और ये बैठक समाप्त हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। मैराथन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारियों की जो हार के कारणों की समीक्षा और लोकसभा की तैयारियों को लेकर सुझाव, इस संदर्भ में जो बातें हुई वो सकारात्मक व्यवहार से हुई। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं आस्था से किए गए खुलेआम खिलवाड़ की। जी हां, आस्था से खिलवाड़ किया गया। उज्जैन की खबर आपको बता रहे हैं, महाकाल लोक में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महाकाल लोक जो पूरी दुनिया में जिसकी भव्यता दिव्यता की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी महाकाल लोक के पार्किंग के पास 50 से ज्यादा मूर्तियां ऐसे ही रखी हुई हैं जैसे कबाड़ रखा गया है। दरअसल मूर्तियों के निर्माण में महाकाल लोक में इन मूर्तियों को लगाया जाना था, इनका निर्माण इसीलिए किया गया, लेकिन प्रशासन ने इन मूर्तियों में कुछ खामियां पाई जिसकी वजह से मूर्तियों को रिजेक्ट कर दिया गया। मूर्तियों के निर्माण में गुजरात की कंपनी जो है वो लगी थी और रिजेक्ट की गई मूर्तियां अब भी पार्किंग एरिया में ही पड़ी हुई हैं। उधर प्रशासन का ये कहना है कि मूर्तियों को हटाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। मूर्तियों के निर्माण में लगी कंपनी अब ये भरोसा भी दे रही है कि जल्द ही रिजेक्ट की गई मूर्तियों को हटा लिया जाएगा। ये बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां पर ये मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां जो हैं ये बनाई गई, ये महाकाल लोक में ही इनको लगाया जाना था, लेकिन ये ऐसे ही कबाड़ में पड़ी हुई हैं जैसे कोई कबाड़ पड़ा हो और इन मूर्तियों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इनको हटा लिया जाना चाहिए था लेकिन हटाया नहीं गया। महाकाल लोक में जो मूर्तियां पड़ी हुई हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए या लगाना चाहिए, ऐसे मूर्ति खंडित का भी दोष लगता है और ये हिंदुओं की भावना को भी ठेस पहुँचती है कि कोई भी व्यक्ति देखता है कि महाकाल लोक में मूर्तियां टूटी है, पड़ी हुई हैं, इनको या तो ठेकेदार उचित स्थान पे लगाएं या मूर्ति जो खंडित है उन्हें विसर्जित करें। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर, उनसे बात करते हैं। वासु, महाकाल लोक की दिव्यता भव्यता तो हम सभी जानते हैं, हमने दिखाया भी है कि कितना दिव्य और भव्य बनाया गया है, लेकिन उसी महाकाल लोक जो है उसके पास ही में जो पार्किंग है वहां पर मूर्तियों की ये दुर्दशा जो है ये अपने आप में अगर सनातन की दृष्टि से देखा जाए, जो जानकार है वो ये कहते हैं कि खंडित मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, फिर भी यहां पर खंडित मूर्तियां रखी गई हैं। निश्चित तौर पर देखिए, खंडित मूर्तियों को लेकर अपनी धार्मिक मान्यताएं जरूर हैं, लेकिन बाबा महाकाल की बात हो, महाकाल लोक की बात हो, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी देश की आस्था का केंद्र है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जो है वो महाकाल लोक से जुड़ी हुई है, बाबा महाकाल से जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, और ऐसे में जब श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचते हैं, महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं और उनके सामने ये दृश्य दिखाई देता है कि पूज्य ऋषि मुनियों की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति हो, वो इस तरह से खंडित पड़ी है, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके मन को भी, उनकी आस्था को भी जो है वो ठेस पहुंचती है। और काफी लंबा अरसा बीत चुका है, एक दो दिन, चार दिन, पांच दिन, 15 दिन, 20 दिन की बात हो तो भी समझ में आता है कि व्यवस्थाएं बनाने में, व्यवस्थाएं करने में थोड़ा सा समय बीत जाता है, लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाना उसके बावजूद ना तो मूर्तियों की मरम्मत होती है, ना उन्हें कोई उचित स्थान पर रखा जाता है, और अगर वो क्वालिटी पर्पज से रिजेक्ट हो गई है या किसी अन्य पर्पज से रिजेक्ट हो गई है तो ये तो संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि उन मूर्तियों को वहां से शिफ्ट किया जाए
और इसको वॉच करने की, इसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय प्रशासन की और उन एजेंसीज की है जो वहां पर देखरेख का काम करते हैं। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से बात को एक दूसरे के ऊपर टालने जैसी जो स्थिति है वो वहां पर दिखाई दे रही है, जो सामने आ रही है, और जो उदासीनता है जिम्मेदार लोगों की वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उजागर हुई है। और ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी निर्माण को लेकर हमने देखा है कि काफी जो विवाद है वो निकलकर सामने आए थे, काफी बीच में राजनीति भी गरमाई थी जब एक बार तूफान आ गया था और मूर्तियां उससे क्षतिग्रस्त हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सबक लेने का काम नहीं किया गया, उसके बावजूद ये समझा जा उसके बाद ही समझा जा सकता था कि इस तरह से अगर मूर्तियां फिर कहीं रखी रहेंगी अस्थायी तौर पर या फिर लापरवाही पूर्वक, तो उसको लेकर फिर से कहीं ना कहीं विवाद बढ़ सकता है, विवाद गहरा सकता है। और देखिए, इंतजार करते रहे, आखिर अब विवाद हुआ, अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि प्रशासन के अपने तर्क हैं, जो मूर्तियां बनाने वाली कंपनी है उसके जो है वो अपने तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है क्योंकि भारत को लोक आस्था का देश कहा जाता है, भारत को बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और मिथिलेश गुप्ता उज्जैन से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। मिथिलेश, देखिए ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है, उज्जैन में पहले भी मूर्तियों को लेकर क्या विवाद हुआ हम सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर ये ठेकेदार की जिम्मेदारी बताकर कि ठेकेदार को इसे हटा देना चाहिए था, हटाना चाहिए था, ये एक बात यहां पर खत्म नहीं होती। जिला प्रशासन की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अगर यहां पर खंडित मूर्तियां हैं वो भी मंदिर परिसर के पास में ही है तो उनको हटवाया जाना चाहिए हर हाल में, और अभी तक क्यों नहीं हटवाया गया, एक दूसरे पर ढोलने का काम क्यों चल रहा है? देखिए, उज्जैन की अगर बात करते हैं तो जब से ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का कहना यह, यानी प्रशासक जो लोग हैं, प्रशासक हैं, कलेक्टर है, तमाम जो वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये ठेकेदार की गलती है, ये उन कंपनी की गलती है जिनको मूर्ति निर्माण का काम दिया गया था। तो प्रशासनिक अधिकारी तो आप हैं, आपके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, प्रशासक पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी है। अगर वहां पर पूज्य ऋषि मुनियों की भगवान शिव की, अगर भोलेनाथ की भी अगर मूर्ति वहां पर रखी हुई है, आसपास काफी कचरा हो चुका है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? लोग पहुंचते हैं, आस्था के केंद्र है, महाकाल की अगर बात की जाए इस वक्त तो 5 लाख से ज्यादा लोग निरंतर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और जब यहाँ दर्शन करने आते हैं महाकाल लोग घूमते हैं, और बेशक महाकाल लोग की हमने खूबसूरत तस्वीर दिखाई थी, लोग महाकाल लोग घूमते हैं, भगवान शिव के अलग अलग जो स्वरूप है उनके दर्शन करते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र के पास में जहां पर ये मूर्तियां रखी हुई है जब लोग उन्हें देखते हैं तो अभी हैरान रह जाते हैं कि मूर्तियों का इस तरीके से अनादर, वो भी हमारे हिंदू धर्मों के साथ में, सनातन के साथ में, भारत में ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो काफी गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ये जो तस्वीर अब सामने आई है क्या इसे पहले नहीं हटाया जा सकता था? जब सवाल खड़े होते हैं, जब सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद ही क्यों एक्शन लिया जाता है? ये आपकी जिम्मेदारी थी जब मूर्तियां जिन धार्मिक भावनाओं के आधार पर, जो धार्मिक भावनाओं के साथ में या धार्मिक जो मान्यताएं होती हैं उनके हिसाब से अगर ये मूर्तियां नहीं थी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, तो शायद उसी वक्त इन मूर्तियों को हटाया जा सकता था, क्योंकि भगवान शिव के स्वरूप थे, पूज्य ऋषि मुनियों के स्वरूप थे, उनकी मूर्तियां बनाई गई थी, उन मूर्तियों को हटाने की जिम्मेदारी आपकी थी, ठेकेदार पे आपने कह दिया कि ठेकेदार की जिम्मेदारी। कलेक्टर ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। भ्रामक है, महाकाल लोक के अंदर जो मूर्तियां स्थापित हैं वो सभी स्थापित हो चुकी हैं, अब उसमें नई कोई मूर्ति नहीं लगनी है। हर कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी का एक वर्कशॉप होता है, एग्रीमेंट में प्रोविजन है, जो मूर्तियां सांस्कृतिक कमेटी ने रिजेक्ट कर दी वो कॉन्ट्रैक्टर को अपने वर्कशॉप में रखी है, और उसको सुरक्षित रखना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। मंदिर प्रबंध समिति या स्मार्ट सिटी का उससे कोई लेना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कॉन्ट्रैक्टर को इस बात के लिए हम ताकीद करेंगे कि मूर्तियां जो हैं उसको वो ठीक ढंग से रखें। तो वर्कशॉप की बात यहां पर कही जा रही है कि वर्कशॉप में मूर्तियों को कैसे रखना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी कलेक्टर कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार जिसने मूर्तियों को तैयार किया है और मूर्तियों की ऐसी दुर्दशा हो रही तो उसको कहा जरूर जाएगा, ताकीद जरूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु और मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल विराजे हैं। शिवलिंग शरण को रोकने के लिए यहां पर आज एक बार फिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 8 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची थी। टीम ने बाबा महाकाल के शिवलिंग, बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह, मंदिर के शीर्ष भाग पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर और नाग चंद्रेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया है और बारीकी से यहां पर जांच की गई है।
इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी ये टीम तैयार कर चुकी है। इस रिपोर्ट पर उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग के हो रहे शरण का मामला साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किया था कि एएसआई और जीएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हर साल शिवलिंग की जांच करने के लिए जाएगी और फिर एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी भी जाएगी। इसके अलावा कुछ नियम कायदे भी तय किए गए हैं, मसलन शिवलिंग जो है, शिवलिंग पर जब शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है या स्नान कराया जाता है तो शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर खांडसारी का इस्तेमाल किया जाएगा। जब भस्म आरती होती है तो पहले एक सूती कपड़ा लपेटा जाएगा शिवलिंग के शरण को रोकने के लिए, उसके बाद भस्म आरती की जाएगी। इसके अलावा पानी का भी मानक, किस स्तर का पानी होना चाहिए जल जो चढ़ाया जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्यूरीफायर और आरओ सिस्टम लगाया गया और जो भी श्रद्धालु आएंगे वो वहाँ पर जल चढ़ाएंगे और वो प्यूरीफाई होकर और फिर बाबा महाकाल को चढ़ाया जाएगा। न्यायालय के आदेश पर हम लोग की टीम आई हुई है जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का निरीक्षण हेतु, उसके अलावा अन्य भी निरीक्षण हेतु, तो हम चारों टीम के सदस्यों ने इसका निरीक्षण कर लिया है। अब इसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और उसी अनुसार उसकी जो है रिपोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को हम लोग सबमिट। बड़ों पर रहम छोटों पर सितम, ये बात हरदा की बिजली वितरण कंपनी पर बिल्कुल सही साबित हो रही है। एक तरफ 2000 से ज्यादा बिजली बिल वसूली के लिए आम लोगों के, आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हरदा के 28 सरकारी विभागों पर 6 करोड़ 48 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है, लेकिन इसके बावजूद इनसे वसूली नहीं की हो पा रही है। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कहते हैं कि सभी विभागों को बिजली बिल बकाया राशि जमा करने के लिए कह दिया गया है। तो कौन कौन से बड़े बकाया था? 6 करोड़ रुपए की राशि बकाया है जिसमें मुख्यतः हरदा नगर पालिका का पैसा बाकी है एवं ग्राम पंचायतों द्वारा जो जल प्रदाय के कनेक्शन लिए गए हैं इन पर अधिकतम राशि बकाया है। चूंकि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है इसलिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाते हैं राशि लेने के। और प्रवीण तंवर हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, सरकारी महकमों पर 6 करोड़ 48 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया और यही शायद ये वजह होती है कि विद्युत वितरण कंपनियां जो हैं वो घाटे का हवाला देकर बिजली नियामक आयोग पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि घाटा हो रहा है इसलिए दाम बढ़ा दो, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी दफ्तर जो हैं वहां से बिजली बिल की वसूली नहीं हो पा रही, आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हरदा में जो है बिजली वितरण कंपनी जो है उसकी ये जो मेहरबानी सरकारी विभागों पे है वो जगजाहिर है। हरदा के 28 सरकारी विभाग है जिन पर वर्ष मतलब लगभग 1 साल या 2 साल का 6 करोड़ 28 लाख रुपए बकाया है, जिसमें कई बड़े बकायेदार हैं, नगरीय प्रशासन विभाग है, पंचायत विभाग है, आदिम जाति कल्याण विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है। स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 710 स्कूल हैं जिनका बिल आज तक नहीं भरा गया। ऐसे में अगर लाइट कट जाए तो बच्चों के भविष्य पर भी सवाल उठेगा। आदिम जाति कल्याण विभाग के हॉस्टल भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनका भी बिजली बिल अभी तक जो है ट्राइबल विभाग ने नहीं भरा है। जब इस बारे में हमने विद्युत वितरण कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि मार्च के एंड में जो है लगभग सभी विभागों को जो है कहा गया है कि अपना अपना बिल जमा करें, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो छोटे उपभोक्ता हैं जो मात्र 2000-3000 का बिल अगर एक माह नहीं भर पाते हैं तो बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी जाते हैं और उन्हें बगैर सूचना दिए हुए उनके बिजली कनेक्शन को काट देते हैं। ऐसे में उपभोक्ता परेशान होता रहता है लेकिन इन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगती। ऐसे में ये जो बड़े विभाग हैं इन पर ये जो मेहरबानी है समस्या परे है। जी समस्या परे है और इस मामले में अधिकारी भी ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने विभागों को कह दिया है कि भाई आपका बिजली बिल बकाया है उसे भरने का काम करिए। सख्ती आखिर क्यों नहीं देखने को मिलती?
सख्ती यहाँ पर जो की जाती है वो सिर्फ आम जन पे की जाती है। अधिकारी से जब हमने इस बारे में बात की कि ये बड़े बड़े बकायेदार हैं, इन पे सख्ती क्यों नहीं की जाती, तो उनका ये कहना था चूंकि ये शासकीय विभाग है और आम जन के हित में काम कर रहे हैं इसलिए इन पे हम सख्ती नहीं कर सकते। लेकिन सख्ती जो है आम जनता पर की जा रही है, आम जनता के जो बिजली कनेक्शन यहाँ पर काटे जा रहे हैं, किसानों के जो मोटर पंप के जो कनेक्शन है उनको काटा जा रहा है। लेकिन ये जो विभाग है जहाँ पर 24 घंटे बिजली का अपव्यय होता रहता है, आप जाके देख सकते हैं कि बिजली विभाग के जो दफ्तर है वहाँ पर बिजली कितनी जाया होती है, वहाँ पर पंखे चलते रहते हैं, ट्यूबलाइट जलती रहती है, लेकिन इस बात इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आम जनता का ये पैसा होता है लेकिन जो बिजली वितरण कंपनी इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देती है, वो सिर्फ आम जनता को परेशान करने में लगी रहती है। जी बिल्कुल, इस स्थिति को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि विभागों को हर बार हर साल जो है एक मोटा बजट एलोकेट होता है, बजट दिया जाता है, तो भाई बिजली बिल भरिए ना, क्यों नहीं भर रहे हैं? और आम आदमी पर इसकी मार पड़ती है और फिर बिजली के दाम बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बैतूल की बात करेंगे जहां पर प्राइमरी स्कूल की एक मासूम बच्ची को टीचर ने बेरहमी से टॉर्चर किया है। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली इस मासूम बच्ची का कसूर केवल इतना था कि वह अंग्रेजी पढ़ नहीं पा रही थी। इसी पर टीचर को इतना गुस्सा आया कि टीचर ने बच्ची के बाल नोच लिए। बेरहमी के बाद बच्ची को सिर में दर्द होने लगा, लेकिन डर के मारे उसने परिजनों से पूरी बात नहीं बताई। परिजनों ने बच्ची के दोस्तों और बाकी लोगों से जब पूछताछ की तब जाकर पूरी बात का खुलासा हो पाया। देखिए कैसे बच्ची के बाल नोच दिए गए। शिक्षा विभाग मामले की जांच करवा रहा है और अधिकारियों के मुताबिक मामले में जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर मैं पूछने गया तो बोले मैंने नहीं मारा, बोले ऐसे बोलती, मैंने उचकाया बोले। और फिर वो बच्चे से पूछा तो बोले बच्चे बोले बता रहे थे कि मारा बोले। क्यों ऐसे? मारा? अब वो मैडम बता दी इंग्लिश में पढ़ती नहीं आती बोले, इसलिए मारा बोले। तो इतना मारता क्या? रूप से ये अपराध है, हम इस पर निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे, शीघ्र कार्रवाई करेंगे। बच्ची छोटी बच्ची उसके बाल खींच, हाँ ये बिल्कुल गलत है, बाल खींचना नहीं, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, पनिशमेंट टोटली बंद है। तो इसमें हम दल भेज के कार्रवाई जल्दी करेंगे। क्या ये आप जानते हैं कि देश भर में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है? जी हां, आकस्मिक मौत के मामले में सबसे ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हुई, जो वाकई चिंता करने का बड़ा कारण है। आंकड़ों का खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट से हुआ है, एक रिपोर्ट इस पर देखिए जरा। कोरोना से भी घातक छत्तीसगढ़ की सड़कें, हर साल हजारों लोग गंवा रहे जान, एनसीआरबी से आए चौंकाने वाले आंकड़े। बीते साल 16,893 लोगों की मौत। जी हां, कोरोना महामारी जिसने दुनिया में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कोरोना कितना घातक है हम सब ने देखा, लेकिन घातक कोरोना से भी अगर कुछ ज्यादा घातक है तो वो है छत्तीसगढ़ की सड़कें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में हर साल लगभग 17,000 जाने जा रही हैं। वहीं कोरोना महामारी से 3 सालों में लगभग 18,000 लोगों की जान गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ में 16,893 लोगों की जान गई है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों लोग दिव्यांग हो गए। एनसीआरबी ने 28 राज्यों के सड़क दुर्घटना के आंकड़े जारी किए जिसमें आकस्मिक मौत के मामले में सबसे ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हुई हैं। एनसीआरबी के चौंकाते आंकड़े, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आकस्मिक मौत। साल 2021 में 19,265 आकस्मिक मौत, साल 2022 में 12% की आई गिरावट, साल 2022 में 16,893 आकस्मिक मौत, हादसों में जान गंवाने वाले 56.4%, दूसरे नंबर पर हरियाणा 53.3%, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 53%। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात को सुधारने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने जो विश्लेषण किया था उसमें प्रमुख रूप से नशा करके गाड़ी चलाना, रॉन्ग फील्ड मूवमेंट करना और यातायात नियमों का रेस ड्राइविंग करना
अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तब भी सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हो रहे थे लोग। तो ये प्रमुख दो तीन कारण थे जिनके कारण लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। इसमें हमने अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई किए हैं। हमने पिछले साल के जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित स्पॉट थे उन स्थानों पर ही पर्टिकुलर जाँच किया है। जो रेस ड्राइविंग कर रहे हैं या नशा करके गाड़ी चला रहे हैं उनके लाइसेंस सस्पेंशन की भी कार्रवाई की है, जिसके कारण इस साल इसमें कुछ अंकुश लगा है और लगभग 18% के करीब सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों पर कमी आई है इस साल। अब ये भी जानिए कि चिंता में डालने वाले आंकड़ों के पीछे के कारण क्या क्या हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति में वाहन चलाना, गलत दिशा में ड्राइविंग, रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग, मोबाइल पर बात करते ड्राइविंग, क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाना, नाबालिगों के द्वारा तेज ड्राइविंग, मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना, खराब और खस्ता हाल सड़कें, यातायात के नियमों की अवहेलना, ये वो कारण हैं जिनके चलते एनसीआरबी के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ हमेशा सबसे ऊपर नजर आता है। जाहिर है ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के लिए कोई तमगा नहीं बल्कि एक दाग है जिसे मिटाने के लिए यातायात विभाग अपने स्तर पर काम कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जागरूकता, ताकि किसी के घर का चिराग यूं अचानक न बुझ पाए। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर। चलिए बात करेंगे सिवनी की, जहां के पेंच टाइगर रिजर्व से खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। पार्क में सुबह की सफारी के दौरान पर्यटकों को बेहद ही मनमोहक नजारा देखने को मिल गया। पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर जोन में सफारी के दौरान एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई नजर आई। बाघिन और दो शावक पर्यटकों की जिप्सी वाहन के सामने से किस तरीके से गुजरे, ये भी जरा देखिए। बाघिन बड़े शान से और बहुत आराम से ये इसे पार करती हुई नजर आई, तो शावक पीछे पीछे अपनी टाइगर मॉम के पीछे पीछे चल दिए। पर्यटक बाघिन और शावकों को देख रोमांचित हो उठे। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का आया है,